सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। निसफल होने की स्वतंत्रता के बिना वास्तविक स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती। आज का पंचांग 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, सुबह 4:23 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 9:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, घर में त्योहारों संबंधित तैयारियों का जोश और उमंग रहेगा। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए समय को व्यर्थ न करके अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में व्यतीत करें। आपको अवश्य ही कोई उपलब्धि हासिल होने वाली है। खुद के द्वारा हुई गलतियों के अनुभव का इस्तेमाल करके आपने अवसर खुद होकर खुद के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के साथ संबंध तनावपूर्ण बन रहे थे वह कुछ हद तक ठीक होने लगेंगे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर भावनिक बातों के लिए निर्भरता ना बनाएं। काम से संबंधित कठिनाइयां बढ़ सकती है। अपने निर्णय द्वारा आर्थिक नुकसान ना हो इस बात की जानकारी रखें। करीबी मित्र के प्रति आकर्षण आपको महसूस हो सकता है, लेकिन यह केवल आकर्षण ही रहेगा। इस रिलेशनशिप में तब्दील होने की जिद ना रखें। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी सेहत में बदलाव ना देखने की वजह से सेहत के प्रति नकारात्मकता महसूस होगी। आज अब नम्र रहेंगे और दुष्टों की स्वार्थ रहित सेवा करेंगे। दुष्टों को संतुष्ट करने के लिए अपना समय, पैसा और स्थान और यहाँ तक कि अपना भोजन भी लगाएंगे। लोग आपकी इसके लिए तारीफ करेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमण हो सकता है। घर पर रहें और घर का अच्छा भोजन करें। सावधानियां, अपनी सोच व व्यवहार को सकारात्मक रखें। कभी कभी आपका शंकालु स्वभाव आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। इस समय किसी भी यात्रा संबंधित योजना बनाते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आपको ऐसे आदमी भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी। इससे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभवों के कारण खुद को बांधे ना रखें, खुलकर जिए। बात करती है करियर की। अपने नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो ना सोचें, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर रहेगी। आर्थिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है तथा त्योहार संबंधित ऑर्डर भी उचित मात्रा में उपलब्ध होंगे। इस समय कर्मचारियों से काम लेने के लिए व्यवहार में मधुरता बनाकर रखना अति आवश्यक है।
बात करते हैं सेहत की। आपका मानसिक और शारीरिक दोनों ही बहुत अच्छे स्थिति में है। अगर आप आज किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। सारा तनाव धुल जाएगा, आपका मन और शरीर दोनों को ही एक नई ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी से दौड़ लगाएं ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।